हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। वेलकम टू माय चैनल मर्सर एकेडमी, दिस इज मंसूर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 4 का टॉपिक रिडॉक्स टाइट्रेशन, जिसके कि लॉन्ग और शॉर्ट आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं कल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शॉर्ट आंसर में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो जिसका कि वर्ड लिमिट है वो 20 वर्ड्स की है, मतलब 20 वर्ड्स में उसका आंसर आपको लिखना है। इसका वेटेज भी आपके 20 नंबर का रहेगा। तो इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिस्कस करने का एक ही अपना एम है कि जितने आप टॉपिक और जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको फेस करने में मिलेंगे, और जितने क्वेश्चन आप फेस करेंगे उतना ही आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द एसिडिफायर पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलर चेंज टू, किसमें से किसमें कलर चेंज होता है? तो सर, जैसा कि हमें पता है, येलो टू ग्रीन, मतलब किसमें? येलो से ग्रीन, मतलब ये येलो है और ये येलो से ग्रीन में चेंज होता है जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं एज एसिडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन एन इंसिडेंट सॉल्यूशन द पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन बिकम्स रिड्यूस, द आंसर विल बी क्रोमियम, थर्ड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं सर, यहाँ पे सबसे पहले हमको पता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज करेक्ट कि ऑक्सीडेशन जब होता है, जब हाइड्रोजन का लॉस होता है और ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इन द रिएक्शन बिटवीन द CuSO4 एंड ZN, द आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबो। वॉट देखिए, जिंक एक्सपीरियंस इन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज, अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, जिंक अंडरगोज द ऑक्सीडेशन, द ऑल ऑफ अबो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? आर मोस्टली नॉन मेटल, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेज, एंड डी ऑप्शन इज आर मोस्टली ट्रांजेक्शन द मेटल, द आंसर विल बी ए आर मोस्टली नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अपॉन द ऑक्सीडेशन एसिडिफायर पोटेशियम मैग्नेट द पर्पल कलर ऑफ मैग्नीज ड्यू टू, द आंसर विल बी सी बिकम अ कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बाय टेकिंग ऑक्सीजन, बाय गिवन इलेक्ट्रॉन, by taking hydrogen, option D, both A and B. So the answer will be option D, both A and B, by taking oxygen and by giving electron. Next question number 8, reduction involved. Reduction में क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं सर, जहाँ reduction हो रहा है वहाँ loss of oxygen होगा, gain of hydrogen होगा. Okay, so गेन ऑफ रिडक्शन कितना होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, ऑक्सीडेशन एजेंट डज नॉट इंक्लूड, द आंसर विल बी ए पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम मैग्नेट नहीं है, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है, ब्रोमीन सॉल्यूट, यस पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाइल द पोटेशियम आयोडाइड KI इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन आयन ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन आयन इज रिड्यूस टू आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन इज रिड्यूस टू आयोडाइड आयन, एंड ऑप्शन नंबर डी आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन आयन। सो आंसर विल बी यस ए, द आयोडीन आयन इज ऑक्सीडाइजिंग टू आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाइल द आयोडीन आयन ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ए चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू, द आंसर विल बी पिंक, ब्लू, ब्राउन एंड वॉलेट। सो द आंसर विल बी ए ब्राउन अकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो रेफर एज
The answer will be D, both A and B. Next question number 13. In the redox reaction, the oxidation occur, reduction occur, neutralization occur, or both A and B. Very easy to answer. The option number D, oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां हो रहा है उसी को हम रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन द मैग्नेट आयन बिकम ऑक्सीडाइज, द आंसर विल बी यस 14D Mn सेकेंड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चेंज इन ऑरेंज कलर टू क्रोमियम ग्रीन टू क्रोमियम इंडिकेट प्रेजेंट टू, द आंसर विल बी 15। यस, ऑक्सीडेशन एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिएजेंट ड्राइंग एजेंट, तो आंसर विल बी ए, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 16, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MeSO4 इज हाफ मॉलिक्यूलर वेट व्हेन टू कन्वर्ट इनटू, द आंसर विल बी यस बी MnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज गुड टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द आंसर विल बी ए हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, द डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ट्रीटेड विद 0.1 सेरिक अमोनियम सल्फेट यूजिंग फेरोन इंडिकेटर इज यूज एज ए टाइट्रेशन ऑफ, द आंसर विल बी डी एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टार्च आयोडीन बेस्ड पेपर यूज्ड टू एक्सटर्नल इंडिकेटर इन वन ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन आइडेंटिफाई, ऑप्शन ए आयोडीमेट्री टाइट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी आयोडोमेट्री टाइट्रेशन एस्कॉर्बिक एसिड यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन टाइट्रेशन, ऑप्शन सी डायोडीजेशन टाइट्रेशन सल्फाइड यूजिंग द सोडियम नाइट्रेट टाइट्रेशन, ऑप्शन डी पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन यूजिंग द सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेशन, तो आंसर विल बी ए आयोडीन टाइट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट टाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन सेरिक अमोनियम सल्फेट रिडॉक्स टाइट्रेशन, द आंसर विल बी सी यस। सो इसी का आंसर हो जाएगा सी। तो यहां तक हमने 20 क्वेश्चन अराउंड डिस्कस किए हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन से। मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर जो है वो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर में भी देखने को मिल सकते हैं, जिसका कि आंसर आपको 20 वर्ड्स में लिखना रहता है। चलिए, और मैं बताना चाहूंगा फॉर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, आपकी थ्योरी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो एक एक करके सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड भी वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।